नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या हाल है आपके? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे। मेरा नाम है कुणाल, मैं हूं जीवानी। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कबल। तो गाइस आज की वीडियो है इंडियन मुस्लिम चैनल से और वीडियो का नाम है 10 मोस्ट अमेजिंग थिंग्स अबाउट द काबा। इंटरेस्टिंग है। हु बिल्ड द काबा? अरे वाह, व्हाट इज इनसाइड द काबा? वाह, मतलब काबा किसने बनाया और काबा के अंदर क्या है, तो पूरा रहस्य खुलने वाला है एक तरह से। तो और इंडियन मुस्लिम के चैनल से ली हुई है। हाँ, तो गाइस इनको सब्सक्राइब कीजिएगा आप, और वीडियो अच्छी लगे तो इनके वीडियो पर विजिट कर सकते हैं आप। वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जो खाने काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। खाने काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की संख्या में मुसलमान 24 घंटे खाने काबा का तवाफ करते हैं। खाने काबा की तस्वीर करोड़ों मुसलमानों के घरों की जीनत है। दुनिया का हर मुसलमान काबे को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ मुँह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। दोस्तों, खाने काबा का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको खाने काबा की हिस्ट्री पता होगी। तो आज की इस खूबसूरत वीडियो में मैं आपको खाने काबा की 10 ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बारे में शायद ही आपने पहले सुना होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि खाने काबा को कब, कैसे और किसने तामीर किया। हम आज जिस काबे को देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कुदरती आफात और कई अन्य कारणों से समय समय पर काबे की तामीर की जरूरत पड़ती रही है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि काबे की तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, मगर ऐसा नहीं है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से धरती पर भेजा, तब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाने काबा को तामीर किया, जिसके लिए आदम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ पहाड़ियों से पत्थर लाकर काबे की नींव रखी। उसके बाद हजारों सालों बाद नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान नूह आया था, तब खाने काबा तूफान की वजह से ढह गया, मगर काबे की नींव बची रही। बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी नींव पर खाने काबा को फिर से तामीर किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ज़ुहूर नबूवत से पहले कुरैश वालों ने फिर से खाने काबा को तामीर किया। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीके से पैसे कमाया करते थे, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसे से करेंगे, मगर वो पूरी तरह से कामयाब न हो सके और वसाइल की कमी के कारण काबे की छत का काम अधूरा ही रह गया। उसके बाद जो तामीर हुई वो सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबेर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुई। फिर आखिरी बार अब्दुल मलिक बिन मरवान के कहने पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबा को गिराया और उसी नींव पर फिर से खाने काबा को तामीर किया। और आज जो हम खाने काबा को देखते हैं वो उसी वक्त से तामीर किया हुआ है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई भी मुसलमान खाने काबा में आ जा सकता था और इबादत कर सकता था। खाने काबा हफ्ते में 2 बार आवाम के लिए खोला जाता था, मगर आज के वक्त में मुसलमानों की तादाद और दीगर वजूहात के चलते साल में सिर्फ 2 मरतबा ही खाने काबा को खोला जाता है। उसमें भी सिर्फ आला शख्सियात और खास मेहमान ही खाने काबा में दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है खाने काबा में पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक खाने काबा में दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए, और एक खिड़की भी हुआ करती थी, मगर आज खाने काबा में सिर्फ एक ही दरवाजा रखा गया है और ये दरवाजा सन 1979 में लगभग 300 किलो सोने से बनाया गया था। इससे पहले यह दरवाजा चांदी का हुआ करता था और जो पहले खिड़की हुआ करती थी उसको भी हटा दिया गया है। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि हजरे अस्वद हमेशा चांदी के कवच में ही क्यों घिरा रहता है? कुछ लोगों का कहना है कि हजरे अस्वद अमायाद की फौज के हाथों मारे गए
पत्थर के लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे। जबकि ये जन्नती पत्थर अब्दुल्ला बिन जुबैर की मलकियत में था। कुछ जराये के मुताबिक हजरे अस्वद बहरेन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप कखमाल्टियन के हाथों टूट गया था। इन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तोहीन परस्ती वाला अमल है। अपनी बात को साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हुजाज को मारकर इनके जिस्मों को आबे जमजम के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफी नहीं था। ये शैतान हजरे अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कूफा में ले गए, जहां इसके एवज में पैसे वसूल किए गए। इनको फिर मजबूर किया गया कि वो हजरे अस्वद को खलीफाए बासत को वापस कर दें। जब इसे वापस किया गया तब ये टुकड़ों में था और इन टुकड़ों को एक जगह करने का सिर्फ एक ही तरीका समझ में आया था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ टुकड़े आज भी कहीं गुम है। दोस्तों काबा लफ्ज का अर्थ होता है क्यूब, यानी कह लीजिए चौकोर। मगर क्या आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त काबे के एक साइड का हिस्सा गोल हुआ करता था, जिसे आज हम हतीम कहते हैं। हतीम काबे का ही हिस्सा है, इसलिए आज आप देखते होंगे कि तवाफ करने वाले लोग हतीम के अंदर से ना जाकर बल्कि हतीम के बाहर से ही तवाफ करते हैं। दरअसल जुहूर नबूवत से पहले जब कुरैश वालों ने खाने काबा की तामीर की थी, तब वो हलाल माल इकट्ठा करने में नाकाम हो गए थे और वसाइल की कमी के कारण उन्होंने काबे के इस हिस्से को छोड़ दिया था। दोस्तों हम मुसलमानों को खाने काबा को काले रंग के कपड़े और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम खाने काबा को किसी दूसरे रंग में तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। मगर क्या आपको पता है पहले खाने काबा पर मुख्तलिफ रंगों के भी गिलाफ चढ़ाए जाते थे, जिनमें हरा, लाल और सफेद रंग शामिल है। जिस कपड़े से खाने काबा को कवर किया जाता है उसे किस्वा कहते हैं। ये कपड़ा सिल्क तथा कॉटन का बना होता है। इस पर कुरान पाक की कई आयतें सोने के धागे से लिखी जाती हैं। हर साल हज के दौरान 9 ज़िलहिज्जा को फजर की नमाज के बाद गिलाफे काबा को चेंज किया जाता है। हर साल गिलाफे काबा पर लगभग 60 मिलियन डॉलर्स यानी इंडियन रुपीस के हिसाब से 42 करोड़ रुपए सऊदी सरकार द्वारा खर्च किए जाते हैं। क्या आपको मालूम है खाने काबा की तादाद 2 है? खाने काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और काबा है जिसे रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाकया सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने इसके बारे में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से चले जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते, मतलब हर दिन एक नया दस्ता यहाँ आता है। दोस्तों खाने काबा के दरवाजे को खोलने के लिए जिन चाबियों का इस्तेमाल होता है वो कोई सऊदी गवर्नमेंट के पास नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के खानदान के पास मौजूद है। फतह मक्का के बाद प्यारे नबी को खाने काबा की चाबियां सौंपी गई, मगर प्यारे नबी ने ये चाबियां अपने पास रखने के बजाय बनी शैबा खानदान के उस्मान बिन तलहा के जिम्मे कर दी। उस वक्त से लेकर आज तक खाने काबा की चाबियां उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान के पास ही है। प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक ये चाबियां कयामत तक उन्हीं के पास रहेंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए बनी तलहा, ये चाबियां रोज कयामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि वो जोर जबरदस्ती गैर अखलाकी तरीके से तुझसे छीन ले जाए। कई सालों तक लोग ये अंदाजा लगाते रहे कि खाने काबा अंदर से कैसा नजर आता है। वो लोग बड़े खुशनसीब हैं जिनको खाने काबा के अंदर दाखिल होने की शहादत हासिल हुई, और एक खुशनसीब वो भी है जिसको खाने काबा के अंदर की तस्वीर बनाने का मौका मिला। फिर लाखों करोड़ों लोगों ने ये तस्वीरें ऑनलाइन भी देखी और भारत के कई लोगों का वहम भी दूर हो गया जो ये कहते थे कि हमारे देवता की मूर्ति काबे के अंदर रखी हुई है। दोस्तों खाने काबा के अंदर का हिस्सा संगमरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। दोस्तों खाने काबा मक्का के ढलान वाले क्षेत्रों में मौजूद है।
जिसकी वजह से जब भी बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था और खाने काबा के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाया करता था। और उस वक्त इस पानी की निकासी पर रोकथाम के कोई बेहतरीन उपाय न थे, मगर मुसलमान उस वक्त भी खाने काबा का तवाफ जारी रखते थे और वो तैराकी करके तवाफ करते थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। किबला तो चलो लास्ट जो वीडियो करती है उनसे पता लग गया, किबला मीन होता है डायरेक्शन। हाँ। तो जो मुसलमान होते हैं वो किस लिए करते हैं इसका मैं थोड़ा आपको बता दूं कि तो ये क्यों हुआ था। पहले किसी ने कौन सी सेंचुरी में याद नहीं, शायद 1000 या 1100 किसी में, किसी ने कुछ वर्ल्ड का मैप बनाया था। उसमें ना उन्होंने मक्का का, जहां पर काबा है मक्का का वो एरिया, मतलब मक्का को इनको ना वर्ल्ड का सेंटर दिखाया था, नॉर्थ पोल साउथ पोल और वो सेंटर में। फिर बाद में किसी और ने आके मैप बनाया, मैप पलट दिया, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल और मक्का, बट वहीं का वहीं रहा, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड मक्का ही रहा। तो ये कहा गया है कि मुसलमान पूरे वर्ल्ड में कहीं भी है ना, तो उनकी जो डायरेक्शन है, उनका जो फेस है ना, जब नमाज पढ़ेंगे तो फेस उनकी डायरेक्शन वो काबे की तरफ होना चाहिए। अगर आप इंडिया में हो तो आपको फिर इंडिया से सऊदी अरब की तरफ देखना होगा जहां पर मक्का है, तो आपका फेस सऊदी अरब तक होगा। अगर आप अमेरिका में हो तो आप सऊदी अरब की तरफ देखोगे, मतलब कहीं भी हो उनका फेस सिर्फ सऊदी अरब में मक्का की तरफ, काबा की तरफ होना चाहिए। मतलब आप साउथ डायरेक्शन में हो तो नॉर्थ, हाँ, आप कहीं भी हो आपका सेंटर पॉइंट वो होना चाहिए, काबा होना चाहिए। तो काबा मींस किबला, किबला मींस डायरेक्शन, डायरेक्शन ये चीज तो हमें क्लियर होगी थी। हाँ, तो उसके बारे में 10 चीजें बताइए। मुझे तो क्या लगता था, मुझे लगता था कि इनके ऊपर काले रंग का पत्थर है, मुझे बिल्कुल लगता कि वो कपड़ा है, कभी नहीं फील होता वो कपड़ा है, कभी नहीं होता, मतलब देख के ऐसा लगता है काले रंग का पत्थर है, पत्थर को इतना अच्छे से साफ किया है कि एकदम चमकता है वो, वैसा पत्थर ऐसा लगता है, और जो गोल्डन वो है वो उसे पेंट किया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, और वो लिखा हुआ है कुरान की लाइंस लिखी। हाँ, बट वो नहीं, वो काले कलर का वो एक तरह का कुछ फैब्रिक है, उसमें गोल्ड के धागों से वो लिखा हुआ है, अरबी में ही लिखा होगा, सऊदी में क्या चलता है, सऊदी अरब अरबी ही चलती होगी, तो अरबी में ही उन्होंने अपना गोल्ड से लिखा हुआ है। और 42 करोड़ है ना एक साल, सऊदी गवर्नमेंट 42 करोड़ हाँ एक साल में वो उसको बनाने के लिए। जैसा कि देखो सुनने में हमारे दमित अमाउंट बड़ी लग रही है, बट वैसे कुछ नहीं अमाउंट ये, जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड में एक दिन में जितने विजिटर आते हैं ना घूमने, ये 42 करोड़ एक दिन का भी नहीं है, जितने लोग आते हैं, और जब जब वो सब रोजे चलते हैं, जब ये सब चीजें होती हैं, अब ईद होती है, ये होती है, तब तो इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती, भीड़ बहुत, मतलब मानने वाले बहुत है। हाँ, तो यार जब इतने लोगों की आस्था जुड़ी हुई है तो फिर वहां की गवर्नमेंट भी करते हैं कि भाई ये तो पाक जगह है तो इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पहले कह रहे थे कि पानी का पंगा होता है, बारिश आती है पानी भर जाता है, तो अब तो नहीं होता, हाल फिलहाल में मैंने कभी नहीं सुना, जब से मैंने होश संभाला मैंने कभी नहीं सुना कि पानी वानी भर गया। अब तो काफी अच्छे लेवल पे बनाया हुआ है, काफी वाटर सिस्टम काफी जबरदस्त कर दिया होगा, अब तो मतलब ही नहीं बनता, मे बी 20-25-30 साल पहले का ये वाकया होगा कि पानी नहीं भर जाता, जब भी पानी भर जाता था तो लोग तैर करके करते थे। डाउन में पता है जो काबा है वो एकदम नीचे की तरफ है, डाउन है, उस नीचे ग्राउंड है, उसके बीच में काबा है, उसके बाद पूरा सर्कल है, उसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर है, उसके बाद एक और फ्लोर है, ऐसे कर करके है, नीव के ऊपर है ना, नहीं उनकी लोकेशन नीचे है, जैसे मान लो बिल्डिंग होगी ग्राउंड फर्स्ट सेकंड, तो काबा जो है नीचे ग्राउंड पे, उसके फिर जैसे पुराने घर में होंगे तो बरांडा होता है, चारों तरफ बरांडा, उसके बाद फिर फर्स्ट फ्लोर शुरू हो गया, फिर ऊपर और बरांडा खोल के फिर सेकंड फ्लोर आ गया ऐसे। अच्छा, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन इतनी है, और मैं एक बार डिस्कवरी पे वो देख रहा था, पता नहीं कितने लोग आते हैं, इन्होंने आसपास का एरिया इतना अच्छा बिल्ड कर दिया, इतने लोगों को ठहरने का इंतजाम कर दिया, बहुत सारे लोग रहते हैं, बढ़िया बात है यार, ये तो अच्छी बात है। और इन्होंने क्या बताया था, हु बिल्ड द काबा, इब्राहिम, वो नाम नाम हमें याद नहीं रहे, हाँ नाम याद नहीं रहे,
और ये कहा था कि नुकसान भी पहुंचा था काबा को जब जो पहले कुछ तूफान जलजला टाइप कुछ आया था उससे नुकसान पहुंचा था। तीन बार बनाया गया ये और 1887 समथिंग से तब से लेके अब तक वैसा ही है, उसके बाद रीबिल्ड नहीं किया इसको। अच्छा। हाँ, पहली बार खराब हो गया था तो इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल उन्होंने फिर उसको दोबारा से बनाया उसी नींव पर। दोबारा भी जब वो खराब हो गया तो नहीं, खराब नहीं हुआ था दोबारा, दोबारा उसको नुकसान पहुंचा था थोड़ा। हाँ, किसी ने उसको तोड़वा के उसी नींव उसकी हमेशा शुरू से वही रही है उसी नींव पर फिर बिल्ड किया और थर्ड टाइम फिर से बिल्ड किया था उसके बाद से। मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, जो काबे के एकदम कॉर्नर था वहां चांदी का कुछ ऐसे बना हुआ था और लोग अंदर देख रहे थे वो क्या? हाँ, था वो भी मुझे भी समझ नहीं आया, वो चीज समझ नहीं आई पत्थर की कैसा और क्या उसकी क्या हिस्ट्री। चांदी का पत्थर तो अंदर था उसको पत्थर को सपोर्ट देने के लिए चांदी का वैसा कुछ हार्ट शेप में बना हुआ था जिसमें लोग अंदर देख रहे थे। हाँ, अंदर अंदर क्या झांक रहे थे मतलब? हाँ, वो क्या है मतलब मुझे तो समझ नहीं आया ये वाला पॉइंट, तो आप बताना गाइस वो चीज क्या थी बताना। और क्या क्या, काफी सारे अमेजिंग फैक्ट्स बताया। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में विजिट किए जाने वाली जगह जो ये है वो यही है मक्का काबा। और वो बताया कि चाबी, उसकी चाबी नबी कोई, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, तो नबी ने जिस खानदान को सौंपी थी तब से लेके अब तक उसी खानदान के पास है वो चाबी। नबी प्रॉफिट मोहम्मद, उन्होंने ही किसी वो पहले उनको चाबी पेश करी गई, उन्होंने कहा कि मैं देना ये मैं इनको देता हूँ और कयामत तक इनके पास ही रहेगी जब तक कोई इनसे जबरदस्ती छीन ना लेता। जबरदस्ती तो किसी के साथ भी की जा सकती है, कोई भी कर सकता है, बट नहीं करना चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि सऊदी की गवर्नमेंट ने अभी तक, क्योंकि ये पूरा गवर्नमेंट का ही वो कब्जा है, पूरा है उनकी जगह है सब कुछ है, तो उन्होंने नहीं ली चाबी। ये चीज अच्छी है कि उन्होंने कहा भाई तुम ही रखो अपने पास, और आज भी उनकी फैमिली के पास, उनकी जो आगे फैमिली बढ़ रही है उनके पास ही वो चाबी है। और चाबी कितनी बड़ी बड़ी थी यार, अलग अलग तरह की चाबी थी, चाबी का कवर भी था। और सच में, और पहले क्या बताया था कि हफ्ते में दो बार खुलता था। और दो दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी पहले, और फिर उसके बाद खिड़की बंद कर दी और दरवाजा अब एक ही है। एक दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दी, और एक दो दरवाजा वो 30 किलो सोना ऐसा कुछ बताया था ना, 300 किलो सोना, 300 किलो सोने से बना हुआ है, और अब साल में दो बार खुलता है। साल में दो बार? यस। अच्छा, अब आज की डेट में पहले हफ्ते में दो बार, पहले हफ्ते में दो बार, बट अब भीड़ इतनी देख के ना, इतने लोग देख के, तो साल में दो बार खुलता है। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा काबा के बारे में जान करके। तो चलते हैं गाइस, इंडियन मुस्लिम चैनल से थी ये वीडियो, आप इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा नई वीडियोस के लिए। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।